हेलो बच्चों, आई शिल्पा पटेल फ्रॉम समर्पण ज्ञान स्कूल। आई टीच हिंदी इन क्लास 6। सो टुडे वी विल डिस्कस लेसन नंबर 1, वह चिड़िया जो। वह चिड़िया जो के कवि है केदारनाथ अग्रवाल। बच्चों, हम केदारनाथ अग्रवाल जी का परिचय देखते हैं। तो केदारनाथ अग्रवाल जी का जन्म 1 अप्रैल 1911 में कामाशीन गांव पादा जिले में उत्तर प्रदेश में हुआ था। केदारनाथ जी का निधन 22 जून 2000 में हुआ था। केदारनाथ जी की प्रमुख रचनाएं हैं युग की गंगा, लोक और आलोक, नदी के बादल, आग का आईना, ये उनकी रचनाएं हैं। केदारनाथ जी अग्रवाल की पहली कविता है फूल नहीं रंग बोलते हैं। इसी प्रकार बच्चों, हमारे कक्षा 6 में केदारनाथ अग्रवाल जी का एक काव्य है वह चिड़िया जो। हम काव्य देखते हैं कि वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे नदी के दाने, रुचि से रस्से खा लेती है वह छोटी संतोषी चिड़िया। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है वह छोटी मुँह बोली चिड़िया। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का डिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है वह छोटी गर्वीली चिड़िया। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। कवि ने ये काव्य दिया है हमें। हम इसका सार देखते हैं कि एक छोटी सी चिड़िया है जो बहुत संतोष स्वभाव की है, नीले रंगों वाली है और नीले। इस काव्य में ऐसी ही चिड़िया का चित्र किया गया है। वह अपनी चोंच से अनाज के दानों को बड़े प्रेम से आनंदपूर्वक खाती है। वह वन बाबा के लिए बहुत मधुर कंठ से गीत गाती है क्योंकि वन बाबा को वो प्रेम करती है, उसको पसंद करती है क्योंकि वह जंगल में ही अपने पंख फैलाकर घूमती है, बहुत गर्वीली है। वह नदी के जल की मोती रूपी बूंद ग्रहण करने से पूर्व उसका दिल टटोलती है, फिर ही वह जल ग्रहण करती है। वह चिड़िया पहले तो नदी की गहराई को नापती है, बाद में ही वह चिड़िया उस जल को ग्रहण करती है। तो बच्चों, हमने देखा ना कि केदारनाथ अग्रवाल जी ने इस काव्य में एक ऐसी चिड़िया की बात की गई है जो अपने आप में खुश है, उसको एकांत में रहना अच्छा लगता है, वह उमंग से रहती है एकांत में। वह ऊंचे ऊंचे बादलों में उड़ना चाहती है, वन में घूमना चाहती है, वह आज़ादी की ज़िंदगी जीना चाहती है। उसको अन्न से बहुत प्यार है क्योंकि वह अन्न ग्रहण करती है, अन्न खाती है, इसीलिए उसको अन्न से प्यार है। उसको उस चिड़िया को पिंजरे में रहना बिल्कुल ही पसंद नहीं है, इसलिए वो ऊंचे आसमान में ही रहना चाहती है। चिड़िया को तो घोंसले में रहना भी पसंद नहीं है, बस ऊंची उड़ान ही उड़ना चाहती है। तो बच्चों, केदारनाथ अग्रवाल जी ने हमें इस काव्य में यही बताया गया है चिड़िया के बारे में कि वह कैसी है।
धन्यवाद।